हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। अभी मैं थोड़ी देर पहले नहा के आई हूँ, सर धोया है और सिंदूर में ऐसे ऐसे नहीं करती ना, नहाते वक्त करना नहीं चाहिए, सिंदूर सुहाग की निशानी होती है उसको। कभी भी मम्मी बोलती है, मतलब मैं पहले ऐसे ऐसे करके धोया करती थी ना सर को, तो मम्मी बोलती थी कि ऐसे नहीं करना चाहिए, मतलब यही वाले एरिया को नहीं ज्यादा रगड़ना चाहिए सर धोते वक्त। तो ये देखो, मैंने 5-6 दिन तक ये सारी चीजें बंद की हुई थी इसकी नहीं, और आज देखो भर के लाया है। गंदा लड़का। दीदी दीदी बोलो, लाओ दही, दो दही, शाम को मेहमान आएंगे ना। कौन आ रहा है शाम को? तन्मय को पता ही नहीं है, तन्मय को और गुड्डू को पता ही नहीं है, तन्मय और गुड्डू को पता ही नहीं है कि शाम को कौन आ रहा है। सरप्राइज देने के लिए बोला है उन्होंने कि भाई गुड्डू और तन्मय को हम सरप्राइज देंगे। हाँ मेहमान है, लेकिन कौन है वो तुम्हें नहीं पता। तो दही मंगाई थी क्योंकि शाम में कोई आ रहा है, और दोपहर में जो बचा कुचा है हम वही खाएंगे। आटा अभी निकालना है डब्बे में, और इसमें छोले भी ली, उसमें से ले लो। ड्रेस वगैरह चेंज करो, चलिए बाहर चलती हूँ, आपको दिखाती हूँ बाहर का कितना काम हो गया कितना नहीं हुआ। ले एक ना जोड़ी, हाँ तो एक जोड़ी चप्पल आपको यहाँ ऐसे रखनी चाहिए ना। किसकी? ये वाली। ओहो नहीं ले आओ ना, ओहो ये तो गंदी हो रही है और पूरी। तो टाइल्स लग चुकी हैं सीढ़ी पे, इधर की साइड लगवाई है, इधर इधर रह गया नीचे। और ये बाथरूम है, यहाँ पे अनशंट सब कुछ भरा हुआ है, तो यहाँ पे इस तरह से टाइल्स लग रही है, काफी अच्छी लग रही है। और तो इस तरह से ऊपर तक वहां तक लगेंगी, यहाँ पे नीचे वाली लग जाएगी इधर। अच्छी लग रही है ना ये वाली टाइल्स, बताना सब। विपिन इन टाइल्स का क्या रेट था? ये वाली का जो इधर है, दोनों का ध्यान नहीं है, 250 की एक पेटी। और ये वाली जो सीढ़ी पे है, उसका नहीं पता। खाना नहीं खाना क्यों? भी लग गया है, गमले टंग जाएंगे आगे, कुछ ऐसा करा देना अभी जो गमले वगैरह लग जाए। अंधेरा सा हो गया, अब अच्छा लग रहा है। वो देखो ड्रेस बदली नहीं है वो, और सारा घर फैला पड़ा है इधर उधर सब कुछ, गमले भी सूख गए, उसमें भी पानी डालना है अभी, और ये सारा फर्श टूटेगा इधर का सारा। और मैंने यहाँ तक तो सारा काम कर दिया था, झाड़ू पोछा वगैरह सब कुछ। और ये देखो बच्चों ने एक का बैग यहाँ पड़ा है और दूसरे का बैग वहां पड़ा है। एक तो मेरी जान पे इतने काम है, ऊपर से ये बच्चे भी अपना एक ये काम नहीं कर सकते। फैन ऑफ करती हूँ, और शूज भी नहीं उठा के रखे बच्चों ने। हैं गुड्डू, शूज भी नहीं उठा के रखे बेटा, इतने बड़े हो अपना बैग तक भी नहीं रखा। चलो गुड्डू उठाओ, भाई का भी उठाओ और अपना भी उठाओ, हैं? और आज ना मैंने वो हेयर मास्क नहीं लगाया जो शैम्पू के बाद लगाते हैं, तो 2 दिन का शौक चढ़ा था, बस हो गया शौक पूरा बालों का। वैसे ऐसा नहीं है, मेरे को टाइम नहीं लगा क्योंकि नहा के जल्दी जल्दी निकल रहा था, बाथरूम साफ करने में कम से कम 1.5 घंटा तो लगा ही लगा होगा। ये बच्चे नहीं समझते, और ये देखो कैसे उठा हुआ है, इसी पे ध्यान जा रहा है जब भी फोन की तरफ देख रही हूँ। सर में दर्द हो रहा था, ये मत खाओ, खाना खा के सो जाओ, गर्म हो रहा है सर, तो थोड़ी देर सो जाओ। और एग्जाम कैसा गया? अच्छा अच्छा, ये बोलते हैं जब रिजल्ट आता है तो बस। हमको मेरा पॉइंट जो, और जो गलतियाँ निकली थी वो तो मैं आ गई हूँ किचन में चाय बनाने के लिए, शाम की चाय उन लोगों के लिए भी और अपने लिए भी। अब मैं रोजाना चाय पीऊंगी, क्योंकि मैं जब इन लोगों के लिए बनाऊंगी ना तो मेरा भी मन कर जाएगा कि मैं थोड़ी सी पी लूं, तो चाय बनाते हैं चलिए। और अभी मैंने लाइट तो होने में लाइट ऑन कर रही हूँ, और अभी मैंने बिंदी वगैरह कुछ नहीं लगाई है, सिर्फ सिंदूर लगा लिया था,
क्योंकि ना मेरा मन ही नहीं हुआ, मैं सिंदूर लगा के अपना बाकी का काम करने लग गई थी। मांग तू भी नहीं छोड़ते और बालों को बांधना है। मैंने सर धोया था, बाथरूम धोया था ना, बिल्कुल साफ करा था, टॉयलेट किस घिसके घिस घिसके, तो भी मन मानता, मन नहीं मानता, मन करता है सर धो लो। तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ चाय बनाने से पहले की तैयारी। जो दूध पे मलाई आई हुई है उसको मैं इस डोंगे में निकाल लूँगी। और मैं हमेशा मलाई को, जब मलाई जैसे होता है ना, कभी कभी टूटी टूटी मलाई हो जाती है, तो उसको मैं छान के निकाल लेती हूँ, अच्छे से निकल जाती है। और जब बिल्कुल सेट होती है मलाई तो उसको चम्मच से ही निकाल लेती हूँ। तो जब चाय बनाने लगी तो देखा कि चीनी ख़त्म थी डब्बे में, तो फिर उसको निकाला दूसरे डब्बे में। और कभी कभी बड़ा गुस्सा सा आता है ना जब चीज़ें इस तरीके से ख़त्म हो, उनको निकालना हो डब्बे में। तो चीनी निकाली, उसके बाद कुछ बर्तन रखे हुए थे टोकरे में उनको लगा रही हूँ यहाँ पे। और गुड्डू छोटे छोटे बर्तन जैसे कांच के गिलास पर रखे थे सिंक में, एक दो कटोरी थी, तो वो कर देती है अपने मन से ही, वो आकर कर देती है। और जब बच्चा खुद करने लगता है ना ऐसे, तो फिर कई बार हम भी उसको बोल देते हैं भाई ये कर दो आप। तो गुड्डू ने वहाँ दो चार बर्तन कर दिए थे। और फिर मैं बाहर आ गई हूँ उन लोगों से कुछ पूछने के लिए। भैया आपको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है? अदरक इलायची में कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है कि अदरक वाली लीजिए थे या इलायची वाली? कोई सी भी ठीक है, मैं अदरक डाल के बना रही हूँ ना। चलिए मैं आपको छत दिखाकर लाती हूँ। छत पे तो कुछ नहीं हुआ है अभी, लेकिन छत के ऊपर से टीन दिखाती हूँ, जो टीन डली है जहाँ पे, जिस एरिया में, बाहर वाले बरामदे में। तो यहाँ पे अभी जो इसका काम है वो चल रहा है, अभी पूरा नहीं हुआ है। आगे आगे के हिस्से जो टुकड़े काट कर लगाने हैं वो काम यहाँ पे चल रहा है, क्योंकि जो बड़ा बड़ा काम है वो एकदम हो जाता है, जो छोटे छोटे काम है उनमें टाइम लगता है। तो छोटे छोटे टुकड़े आगे की साइड सेट किए जा रहे हैं। और मौसम जो है आज बड़ा प्यारा सा हो रहा है, बारिश बारिश वाला। और जब हम इस तरह का घर में काम शुरू करवाते हैं तो ज़रूर ये बारिश सबको तंग करती ही है एक आधी बार। तो अब चल गई, तो ऊपर से आकर मैं सीधा किचन में आ गई हूँ। और मैंने बताया था कि मेहमान आने वाले हैं, तो वो लोग आ चुके हैं, वो अंदर बैठे हुए हैं, मैं भी बैठी हुई थी। लेकिन उसके बाद मैंने कहा चलो खाने पीने की तैयारी शुरू करते हैं। तो मैं जो है शाही पनीर बना रही हूँ। उसके लिए यहाँ पर मैंने जो तेज पत्ता है, इलायची है बड़ी वाली, छोटी इलायची, लौंग, काली मिर्च, वो सब डाला। उसके बाद मैंने इसमें यहाँ पे जो चोपर में प्याज लहसुन अदरक करके रखा था वो डाल दिया है। और इस मसाले को मैं कर लूँगी जब तक कि रंग चेंज नहीं होने लगता है। उसके बाद यहाँ पे मैं कर रही हूँ टमाटर और जो काजू मैंने भिगो कर रखे थे वो। लेकिन मैं यहाँ पे ये चीज़ गलत कर रही हूँ, मेरे दिमाग में पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ, मैंने ये सोचा ही नहीं कि काजू तो वो दर दरे हो जाएंगे, उनका पेस्ट तो बनेगा ही नहीं, तो वो हो नहीं पाए थे। ये मैंने पागलपंती कर दी थी, यहाँ पर बिल्कुल भी कुछ नहीं हुआ था, वो सिर्फ दर दरे हो गए थे जैसे प्याज टमाटर होते हैं। तो फिर मुझे दूसरा वाला जो इलेक्ट्रॉनिक चॉपर है वो लेना पड़ा। हालांकि पेस्ट इसमें भी नहीं बना, पेस्ट जो बनता है वो मिक्सर में ही बनता है, लेकिन यह है कि इससे काम चलाऊ हो गया था। उसके बाद लाइट भाग गई थी जब मैं ये चॉपर में कर रही थी इलेक्ट्रॉनिक वाले में, तो फिर मैंने कहा चलो इसी से काम चला लेते हैं और सब्जी टेस्टी बनी थी। तो यहाँ पे मैंने प्याज वाले मसाले में ये भी डाल दिया है टमाटर और काजू वाला, और इसको भी मैं भून लूँगी अच्छे से जब तक कि तेल अलग ना होने लगे। तो यहाँ पे मैं सूखे मसाले डाल रही हूँ, जिसमें मैंने रंग वाली जो कश्मीरी लाल मिर्च होती है वो, धनिया पाउडर, हल्दी, जीरा पाउडर, वो सब डाला है, और थोड़ी सी लाल मिर्च डाली है। तो इन सबको मैं मिक्स कर लूँगी और इस मसाले को होने दूँगी, छोड़ दूँगी थोड़ी देर के लिए।
तो मसाला होने के बाद मैं यहाँ पे डाल रही हूँ मलाई के 2-3 चम्मच फ्रेश मलाई, जो दूध की थी आज के दूध की, वही मैंने यहाँ पे डाली है। और इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी, थोड़ा सा मैं इसी में डालकर इसको करछी के साथ फेंट रही हूँ। तो जब तक इसका वो घी अलग नहीं होगा तब तक मैं इसको कर लूँगी। और वो बीच की क्लिप पता नहीं क्या हुआ डिलीट हो गई है, मैं उस वक्त कैमरा ऑन करना भूल गई तो घी अलग हो गया था। इसके बाद मैंने इसमें दूध डाला है ग्रेवी बनाने के लिए, जितनी पतली या गाढ़ी रखनी है दूध ऐड किया है। दूध डालने के बाद आप किसी भी मसाले में दूध डालें तो आपको चलाते रहना होता है, वरना दूध फट जाता है मसालों की वजह से। तो तेज़ गैस पे मैंने कर लिया था तो जल्दी ही इसमें खद्दे आने शुरू हो गए थे दूध डालने के बाद। तो उसको मैंने 1.5-2 मिनट तक पकाया दूध को मसालों में उबाल आने के बाद। उसके बाद यहाँ पे मैंने पनीर डाल दिया है और पनीर डालने के बाद भी मैं इसे ढक दूंगी, 2-3 मिनट तक पका लूँगी, फिर जाकर मैं इसकी गैस बंद करूँगी। तो कसूरी मेथी भी मैं डालना भूल गई थी, और होता है मैं बातों में लग जाती हूँ बीच बीच में जाके, तो मैं बहुत सारी चीज़ें भूल जाती हूँ। लेकिन कसूरी मेथी ऐसा नहीं है कि आपको पहले डालनी है बाद में डालनी है, पहले तो मैं बाद में ही डाला करती थी सब्जी बनाने के बाद। तो उसके बाद मैंने प्लेट ढक दी थी 2-3 मिनट के लिए, और 2-3 मिनट ही इसको पकाना होता है, आप ज़्यादा भी पका सकते हैं, वैसे तो इतने में ही पक जाएगा। पनीर को तो कुछ करना नहीं होता है, अगर आप फ्राई करके डालना चाहते हैं फ्राई करके डाल सकते हैं। तो यहाँ पे जो सब्जी है वो बनकर तैयार हो गई है और बहुत टेस्टी बनी। तो ये मैंने आटा गूंथ दिया है और ये है शाही पनीर, और इधर है छोले चावल। तो ये प्लेट मेरी और भाभी की है, मतलब अभी पता नहीं है कौन सी किसकी है। तो एक प्लेट मेरी है, एक प्लेट भाभी की है। तो चलिए आप लोग भी खा लीजिए, ये सब बनाया था छोले, पनीर की सब्जी, रोटी, चावल, रायता। तो चलते हैं हम लोग खाना खाने के लिए। और ये अंकल जी बैठे हुए हैं, मेरे ससुर हैं। और अंकल जी हम इसलिए बोलते हैं, मतलब फिर तो बोलेंगे ना कि चाचा जी क्यों नहीं बोलते, तो हम शुरू से ही अंकल जी बोलते हैं। अंकल जी कुछ लाओगे जी कुछ? अरे नहीं, दो ज्यादा हो गए क्योंकि छोटी का जो फोटो इसने डाला ना, छोटी डाला था मासी जो मैं बता रही थी मिलवा नहीं पाई हूँ, अभी टाइम मिला है मिलवाने का। तो यहाँ पे बच्चे भी यहीं बैठे हुए हैं, हमारी सास खाना पीना छोटी खाया सास है। हाँ, तो मासी हेलो कर दो। हेलो। और मासी मेरे रोजाना वीडियोस देखती हैं, बहुत दिन देख के और मुझे तो इसलिए क्योंकि मेरे बच्चे दिख जाते हैं, मेरे पोता पोते भी हैं। और जो मासी हैं वो मतलब जो मेरी सास थी उनकी बहन है छोटी, और जो अंकल जी हैं जिनको हम अंकल जी बोलते हैं वो जो मेरे ससुर से मतलब पापा उनके भाई हैं छोटे। तो इस तरीके से कनेक्शन बहना एक ही घर में। हाँ, ऐसा बहुत सारे घरों में होता है ना। अभी ये मुंबई है। हाँ, तो मासी 2 दिन के लिए या 1 दिन के लिए या फिर 1 रात के लिए आती हैं। अब कल मासी के जाने का भी प्रोग्राम बन रहा है, मैं बोल रही हूँ मासी मत जाओ, तन्मय का बर्थडे करके जाओ। और ऐसा ना 4 साल बाद ये संजोग बना है कि 11 तारीख को ही आई मासी इस बार भी। हम पहले सेलिब्रेट कर लेते हैं ना उसका बर्थडे का। चलो कल, क्योंकि आज करेंगे ना, चलो आज ही कर लेते हैं तन्मय का बर्थडे। बाकी फिर केक उस दिन काट लियो और क्या, चलो आज ही कर लेंगे तन्मय का बर्थडे, चले जाना। हाँ और क्या, चलो शाम को बाहर चलेंगे। तो चलिए, नहीं आज जरूरी नहीं है, फिर चले जाना उस दिन। आज तो घर में केक मंगा लेंगे छोटा सा, तो आज भी मंगाऊंगा आज तो ना। हाँ, मैंने मंगाई है मटर भी मंगाई है, गोभी भी मटर वाली मंगाई है, मासी कहती ना खिचड़ी। तो चलिए अब हम यहीं पर इस वीडियो का एंड कर देते हैं। बड़ा अच्छा लगता है जब मेरे अलावा एंड करने के टाइम पर और भी होते हैं, और यहाँ पे बच्चे बच्चे सब बैठे हुए हैं, कार्तिक तन्मय गुड्डू और ये देखो क्या ले आया। तो चलिए बाय बाय। और रेत आ चुका है, मैं बोल रही थी रेत आएगा, मैं बता दूंगी रेत भी आएगा। बाय करती हूं तो नागिन की तरह बाय करती हूं। बाय बाय, मासी बाय कर दो। बाय।